सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, टुडे आई एम बैक अगेन विद अ वीडियो। आज की वीडियो जो मैं आपके सामने लाया हूँ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, दैट इज गुड। आज मैं आपको दोस्तों बताऊंगा गुड कहाँ पे यूज करना होता है और उसकी यूटिलिटी कहाँ है और उसकी यूज से पूरी तरीके से आपको क्लियर आपके सामने करूंगा। आई होप आप उसको पसंद करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं साथ साथ आपको ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा आपको वो आप कमेंट लिखिए और लाइक भी करिए, ताकि हर किसी के पास मेरी थॉट जो है ये पहुंचाएगी। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर कोई देखे, क्योंकि आजकल लॉकडाउन भी चल रहे हैं, आजकल एजुकेशन लिए आप लोगों को पता है कितना लॉस हो रहा है, सो दैट ये वीडियो फ्लोरिश हो जाए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच। ज्यादा वक्त न लेते हुए लेट आई स्टार्ट माई टॉपिक, दैट इज गुड। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कुड की, और आपको मैं बता दूं ये जो कुड है दोस्तों, ध्यान देके आप नोटबुक और पेन हाथ में रखिए और अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए। दोस्तों अगर आपको कोई बताता है कुड कहाँ पे यूज करते हैं, इम्पोर्टेंटली आपको ये चीज याद रखनी है। पहली बात ये कि ये आपको ये जो कैन का जो है, कैन का पास्ट टेंस है, दैट इज गुड। और दूसरी बात दोस्तों आपको ये भी जानना है कि कैन का पास्ट टेंस होके ये कुड है, और दूसरी बात जो कैन है, कैन एक इम्पोर्टेंट तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कैन तीन चीजों में दोस्तों याद ये यूज होता है, इसका प्रयोग होता है। पहली बात कुड तो है एक्सट्रीम रिक्वेस्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन सा बनता है इन बिटवीन वुड एंड कुड, बट दोस्तों ये मैं बताता जाऊं आपको कि वुड एंड कुड इज ऑलमोस्ट गोइंग नेक टू नेक, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन। नेक टू नेक जा रहे हैं बहुत सारे तरीकों में, बट कुड जहां पे जाता है वहां पे वुड नहीं जाता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कुड एक एक्सट्रीम रिक्वेस्ट है। दूसरी बात कुड हम यूज करते हैं दोस्तों एबिलिटी के लिए, वेयर एज वुड कैन नॉट बी यूज फॉर एबिलिटी। वुड को हम ऑफर के लिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में वुड का जो यूज है मैंने आपको वो बता दिया। जहां तक कुड की बात दोस्तों है, कुड इज इन एक्सट्रीम रिक्वेस्ट। कुड को हम डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, कुड को हम एबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं जहां तक कुड की बात है दोस्तों, कुड एक ऐसा प्रयोग हम कर सकते हैं, एक पोलाइट एक्सप्रेशन भी, जैसे पोलाइट एक्सप्रेशन भी देता है दोस्तों, कुड को हम पोलाइट एक्सप्रेशन के लिए भी और पॉसिबल सिचुएशन के लिए भी यूज करते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, जैसे कुड को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट का, जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, आई कैन रन ए माइल, दैट इज एबिलिटी, क्योंकि कैन और कुड को एबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन जहां तक मैं आपको कुड की बात बता रहा हूँ, कुड को जैसे आई कैन रन अ माइल इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में मैं 1 माइल कवर कर लेता हूं डिस्टेंस, अगर मैंने इसको, यानी ये एबिलिटी है। आप आई वुड यूज नहीं कर सकते दोस्तों यहां पे, ये आपकी अपनी एबिलिटी है, आपने क्या किया। बट जब आप इसको पास्ट में दोस्तों यूज करोगे, यू विल हैव सिंपली से आई कुड रन माइल इन 10 मिनट्स, आई कुड रन 10 मिनट्स, यानी आप अपने बचपन में या अपने पास्ट में 10 मिनट, यानी 10 मिनट में 1 माइल कवर करते थे। नाउ इट इज द सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट यूज, आप जब आई कुड यूज करोगे इसको, तो ये एबिलिटी। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम एट द टाइम्स, मैं तैर सकता था। बट अगर आप यही बात आज बताओगे तो आपने दोस्तों बताना है आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। स्विम का मतलब होता है ये आपकी एबिलिटी है, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कुड राइट इंग्लिश, आई कुड रीड इंग्लिश, ये आप पास्ट की लिंक्स में इसको आप ये बात बता सकते हैं। दूसरा मैं आपको इंपॉर्टेंटली बताऊंगा दोस्तों, आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन सा होता है दोस्तों, कैन और कुड की जहां तक बात है, कैन मैं आपको समझाऊंगा आगे भी, लेकिन कुड जो है इट इज जस्ट लाइक अ बड़ा भाई ऑफ कैन। अब आप बोल सकता हूं मैं दोस्तों आपको, इट इज यूज्ड फॉर लोकेशन, अगर कहीं पे लोकेट करना है दोस्तों, लोकेशन की बात मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। जैसे मैं आपको बता रहा हूं किसी जगह पे मैं जा रहा हूं, मुझे किसी के घर जाना है, आई सपोज अगर मैं उसको बता रहा हूं किसी को दोस्त, मैं कैन यू टेल मी वेयर एबिनो लिव्स, ऐसे कैन यू टेल मी वेयर एबिनो लिव्स, या लिव्स मैं बता रहा हूं लिव्स, कैन एबिनो लिव्स, वेयर कैन यू टेल मी वेयर ही लिव्स, मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी वेयर ही लिव्स, वो कहां रहता है
सकता है। हाँ दोस्तों, अगर अब मैं कहूंगा कुड यू टेल मी वेयर ही लिव्स, कुड यू टेल मी, देखो डिफरेंस क्या है। ओए तू मुझे बताएगा वो कहाँ पे रहता है, वो बोलेगा यार मैं क्या चौकीदार हूँ इसको। एक तो ये बोलता है मुझे एड्रेस मांगता है उसे और बोलता है कैन यू टेल मी, नो। अगर मैं दोस्तों उसको कुड यू टेल मी वेयर ही लिव्स बताऊंगा, समझदार होगा वो समझेगा, नहीं आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ पे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड इट इज पोलाइट। दोस्तों मैंने पोलाइट एक्सप्रेशन की बात की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने पोलाइट एक्सप्रेशन लाया, लोकेशन भी आ गई, पोलाइट एक्सप्रेशन भी आ गया। दूसरा दोस्तों, मैं अगर पोलाइट एक्सप्रेशन, मैं बोलूंगा तुझे कैन यू क्लोज द डोर, क्या बोलूंगा कैन यू क्लोज द डोर, व्हाट विल कम, तो आप दोस्तों मुझे क्या वहां से वो रिप्लाई क्या होगा, जो जानने वाला होगा वो बोलेगा इसने मुझे बोला दरवाजा तू बंद कर ले यार, अरे भाई दरवाजा बंद कर ले। लेकिन जब मैं बात करूंगा कुड यू क्लोज द डोर, कुड को प्लीज लगाने की भी दोस्तों जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इट इज इटसेल्फ सो मच पोलाइट कि प्लीज की बात भूल जाते हैं लोग। कुड यू प्लीज लगा नहीं सकते आप, कुड यू जरूर आप ऐसे भी लग, कुड यू क्लोज द डोर, कुड यू प्लीज क्लोज द डोर इज नॉट सो मच अप्रोप्रिएट, गलत भी हो सकता है एट द टाइम। आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज, नहीं कुड यू क्लोज द डोर, ये एक एक्सप्रेशन आ गया, एक रिक्वेस्ट आ गया। दोस्तों एबिलिटी भी आ गई, जैसे आई कैन स्विम, ये मेरी में एबिलिटी है। और दूसरों एक और चीज से मैं आपको बता दूं, जहां तक कुड की बात है दोस्तों, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन का मतलब होता है ये आपको बताता है क्या करना है। यू कुड, अच्छा कुड यू गो देयर, जैसे कुड यू राइट एन एप्लीकेशन, कुड यू राइट, यू कुड, यस आई कुड राइट एन एप्लीकेशन, कुड यू राइट एन एप्लीकेशन, कैन यू राइट एन एप्लीकेशन। डिफरेंस सिर्फ यही दो चीज आएंगी, एक रिक्वेस्ट की बात आ रही है, कैन इज नॉट पोलाइट एज मच एज कुड। दोस्तों दो जहां पे कुड, लेकिन कुड को हम ऑफर दोस्तों याद रखेंगे, वुड और कुड, कुड भी एक्सट्रीम रिक्वेस्ट है, बट वन थिंग इज देयर, वुड को हम ऑफर के लिए यूज करेंगे, कुड को दोस्तों हम ऑफर के लिए यूज नहीं करते हैं। तो दोस्तों क्या समझ आया आपको, एक तो कुड पास्ट टेंस है, इसमें हम बात कर रहे हैं एबिलिटी की, डायरेक्शन की, एक्सट्रीम रिक्वेस्ट की, पोलाइट एक्सप्रेशंस की, हाँ दोस्तों, और हम इसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट पास्ट है कैन का कुड, और जो पास्ट टेंस में हम इसको कुड को यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा द डिफरेंस ऑफ कुड और वुड में क्या फर्क है। वुड तो हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है। तो आई होप दोस्तों जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, फॉर इंक्वायरी, फॉर क्वेरी, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल मी ऑल्सो, आई हैव गिवन माई फोन नंबर इन डिस्क्रिप्शन। और दोस्तों मैं ज्यादा से ज्यादा जितने भी मेरे दोस्त हैं मुझे इंस्टा पे भी आप फॉलो करिए। और दोस्तों मैं आपसे एक और चीज भी बताना चाहता हूँ कि जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों आप मुझे बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।